हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो स्क्रीन टाइमर प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई, स्क्रीन टाइमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो भाई, सिंपली हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। सिंपली कैसे करना है, सेटिंग जो हम अपने वीवो का फ़ोन है, जो वीवो के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है उसको हमें ओपन कर लेना है। सिंपली सेटिंग्स को हम ओपन कर लेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे आना, नीचे आते कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते कि यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली हम स्क्रीन टाइम आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन टाइम शो होगा इस 15 सेकेंड से लेकर 30 मिनट्स तक का। तो क्या सिंपली अगर हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप बैक करते हैं तो जो हमारे स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम है यहाँ पर यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप 30 मिनट्स पर क्लिक करेंगे तो मुझे इस वजह से सॉल्व हो जाएगी कि जो आपकी टाइम होगा ऑफ स्क्रीन ऑफ होने का, वो आपकी स्क्रीन 30 मिनट्स में होगी, वो आपकी 30 या 15 सेकंड्स में नहीं होगी, वो आपकी 30 मिनट्स में होगी। तो इस तरीके से हमने स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम उसको हम सॉल्व कर सकते हैं वीवो के फ़ोन में। और इसके बाद आपके यहाँ पर स्क्रीन कलर वगैरह, फिर डिस्प्ले पर और कुछ सेटिंग्स करने, तो कैसे यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन कलर चेंज करना, तो यहाँ पर कैसे आपको देखिए बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, तो जो आपके स्क्रीन कलर रखने वो रख सकते हैं। और कैसे यहाँ पर आपको स्टेटस बार पर भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे गाइस। तो इस तरीके से स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज करना, उसका भी आप यहाँ पर स्मार्ट स्विच है, कैसे यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ रखना है वो भी रख सकते हो। तो वैसे यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो कैसे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू गाइस। और कैसे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना जरूरी ना भूलें गाइस।